फिर गुंजेगा बाघों की दहाड़ से पलामू का पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बाघ लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी इसे लाने में कुछ समय और लग सकते हैं। पलामू सही झारखंड का गर्व है बेतला नेशनल पार्क, जो आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर जीविका का साधन बना हुआ है। बेतला नेशनल पार्क सही टाइगर रिजर्व के इलाकों में कई ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन ट्रैप कैमरों में हाल के दिनों में भारी मात्रा में तेंदुए कैद हुए हैं। इसके अलावा पर्यटक भी तेंदुआ होने की पुष्टि करते हैं। ट्रैप कैमरे में करीब 200 तेंदुए होने की पुष्टि पीटीआर क्षेत्र में हो रही है। पीटीआर में एक बाघ की उपस्थिति है। चार स्थानों पर बाघ के पग मार्क मिले हैं। इसके अलावा जंगल में अन्य जंगली जानवर की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेतला नेशनल पार्क में चीतल की संख्या भी बढ़ी है। तकरीबन 5000 चीतल वास कर रहे हैं। इसके अलावा पार्क में मोर, बंदर, नीलगाय की भी अच्छी खासी उपस्थिति है। पलामू टाइगर रिजर्व के निर्देशक आशुतोष ने कहा कि देश के अन्य टाइगर रिजर्व से बाघ लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी न्यू दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में 6 माह का समय लग सकता है। कहा कि विजन प्लान के तहत 2 मादाएं एवं 1 नर बाघ को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी देश के 3 टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहे हैं। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।